तेलुगु सिनेमा के पहले सुपरस्टार कृष्ण बाबू का 15 नवंबर को हार्ट अटैक से निधन हो गया। कृष्ण बाबू तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू के पिता थे। 200 करोड़ की ठगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को सोमवार को कोर्ट ने जमानत दे दी है। मुंबई एयरपोर्ट पर कई सेलेब्स नजर आए, जिसका एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा पूरी फैमिली के साथ स्पॉट हुए। इस दौरान उन्होंने वाइफ अर्पिता खान और बच्चों के साथ पैपराजी को पोज भी दिए। लगातार 35 सालों तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने के बाद आमिर खान ने फैसला लिया है कि वो कुछ समय के लिए बतौर एक्टर ब्रेक लेना चाह रहे हैं। इसी के साथ आमिर फिल्म करियर को छोड़कर कुछ समय अपनी फैमिली के साथ बिताना चाह रहे हैं। एक्ट्रेस बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर बीते शनिवार माता पिता बने हैं। अब दोनों अपनी बेटी के साथ अस्पताल से घर लौट रहे हैं। न्यू मॉम एंड डैड अपनी बेबी गर्ल के साथ कूल अंदाज में पैपराजी को पोज देते हुए नजर आए। एक्टर विक्की कौशल को हाल ही में फिल्म सिटी में स्पॉट किया गया है, जिसका एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में विक्की फॉर्मल रूप में काफी हैंडसम लग रहे थे। इस दौरान उन्होंने पैपराजी को पोज भी दिए और विक्की का ये लुक उनके फैंस को काफी पसंद आया। रियलिटी शो बिग बॉस 16 में कलर्स टीवी ने अपकमिंग एपिसोड का एक प्रोमो वीडियो शेयर किया, जिसमें अर्चना और प्रियंका के बीच गंदी लड़ाई देखने को मिली। इस लड़ाई में अर्चना प्रियंका से रोटी बनाने और पूरा शेल्फ साफ करने के लिए कहती है, जिसका प्रियंका विरोध करती है और वह साफ मना कर देती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में मां बनने के बाद पहली बार अपनी फोटो सोशल मीडिया पर साझा किया। हालांकि इस फोटो में आलिया का फेस नहीं दिख रहा, वहीं पूरा फोकस उनके मग पर है। मग पर मामा लिखा हुआ है। आलिया के इस पोस्ट के सामने आने के बाद फैंस उन्हें मां बनने की बधाइयां दे रहे हैं। टीवी का पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सुंदर का रोल निभाने वाले एक्टर मयूर वकानी ने गुजरात चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद शानदार स्टैचू बनाया। मयूर ने इस स्टैचू की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी अपने काम के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में बनी रहती है। एक्ट्रेस इन दिनों कानूनी पकड़ में फंसी हुई नजर आ रही है। सनी लियोनी पर एक FIR दर्ज है, जिसे रद्द करवाने के लिए एक्ट्रेस अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है।